Good morning guys, welcome back to our new vlog. Here is Happy, here is Pooja and here is our baby. So guys, अभी ICU से हम पूजा को अब शिफ्ट करेंगे अभी हमारे रूम पे. हमारे रूम इन द सेंस अभी हॉस्पिटल में ही है, अभी यहाँ पे टाइम लगेगा हमें. लेट्स सी कि पूजा को कब डिस्चार्ज करते हैं. एंड बेबी एंड मदर दोनों सही हैं, ठीक हैं. एंड थैंक यू आप सबके विशेष जो फ़ोन पे आ रहे हैं, कॉल्स आ रहे हैं, और आप सभी का बहुत बहुत आभार और ढेर सारा प्यार है. बेबी और पूजा रूम पे अब आंचल ऑलरेडी जा रहे हैं घर, क्योंकि क्या करना हॉस्पिटल में भी. और अभी देखते हैं पूजा को कितने दिन, एक दिन दो दिन लगते हैं, कब डिस्चार्ज करेंगे. इनको बाय कर देते हैं आंचल को. शालू मैम आए हैं. कैसे हैं शालू मैम? थैंक यू सो मच. ओके, हमें गुड लक. ठीक है गाइस, पूजा ने मैम के साथ काम भी किया था और मैं जब मैम ने पूरा सपोर्ट किया हमें दो दिन पूरा, रात बाद में भी देखने आते थे मैम. थैंक यू सो मच मैम. ओके, टेक केयर. अच्छा सो रहे गाइस. निशान सर मैडम आ गए, गुलजार भैया, डॉक्टर अंकित सर भी आ गए. हेलो सर. देखो बुके ले आए. नहीं देखो जी, हम तो बड़े हैं, तो ये तो हमारे पूजा सिस्टर के हैं और ये हमारे बच्चे के हैं. ये लो भाई छोटू, इधर ही रख दो भाई. कमाई हो गई बेबी की. मंजू मैडम भी आ गए, घर जा रहे हैं. लेकिन हेलो, कितने बजे ट्रेन है आपकी? 12:30. 12:30 देखो, पौने 12 आए मिलने. जाना चाहिए, मैंने इनको कॉल किया, मैंने कहा यार जा तो रहे हो फिर लौट के आओगे, तब तक मिलिए गाइस. इसीलिए हम लोग JR हॉस्पिटल में आए, नोएडा इतनी दूर, कि ऐसा प्यार कहाँ मिलेगा. कैसा महसूस हो रहा मामा की? अच्छा लग रहा है. मंजू मैम क्या बनी है? मौसी बनी है, बड़ी बड़ी मौसी. सबसे बड़ी नानी, नानी दादी बोला दो. डॉक्टर की तो दुखी थी. सारे चली सारे देखो विश करने. लीजिए स्वीट्स लीजिए. गाइस पूजा मुझे डांट रही थी दर्द में और दर्द हो गया उसको. Here is our doctor Jaseem Ali. Kerala से हैं सर, इसलिए थोड़ा बॉन्ड है. स्वीट्स. ओह थैंक यू. कांग्रेट्स ब्रो. थैंक यू. गाइस डॉक्टर साहब मेरे न्यू सब्सक्राइबर भी हैं. और ये रहे JR हॉस्पिटल के जो कहते हैं ना वो बेस्ट. जैसे स्कूल का बेस्ट है वो हेड बॉय होता है ना, वैसे हेड फाउंडेशन. तो गाइस काफी बढ़िया माहौल JR हॉस्पिटल में. ये देखिए निशान भाई, बहुत पैसा इनके पास. पूजा ज्यादा मत हंस. ठीक है गाइस. दीदी आई है शारदा यूनिवर्सिटी से. पूजा ने शारदा यूनिवर्सिटी में भी जॉब करी है. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. पहले छोटू, साथ में भैया भी हैं. छोटू डल हो गया, पता चला एक्टिव था रात 2 बजे से, फिर किया इसने ना उसके बाद. देखो रात मिल गई है पूजा, मौसी आ गई है. मेरा तो ऐसे कांप रहा होता मेरा हाथ तो. देखिए JP सर आ गए हैं, JR हॉस्पिटल के डायरेक्टर. मैडम भी देखिए हमारे हमारे बेबी से मिलने के लिए. देखिए
शोला है, सो रात में जगते हैं? नहीं मैम, आज मैं थोड़ा सा डर हो गया, उसको चौंडी बिलो भी नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, वैसे एक्टिव था कर गाइस, कल सैटरडे था सर, अभी बोल रहे थे कि शनिवार करके सर आए नहीं। मैम एक बार फिर से दीजिए ना। अच्छा, ये मेरी बेबी के लिए। गाइस देखो सर एंड मैम, थैंक यू। सर के नाम से ही है हॉस्पिटल। सर और मैम के नाम। अच्छा, अरे वाह, रखना सर, मैंने भी इसलिए रखा हुआ है हैप्पी ईयर पूजा। इसलिए तो बताया। ये क्या है सर? थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सर, थैंक यू। ये देखो पैसे कमा रहे हैं, खूब पैसे। नहीं ऐसा नहीं है, एक्चुअली क्या है, पिक्चर्स जो है ना वो डिलीट हो जाती है, लेकिन वीडियो एक बार रहेगी ना, वो हमेशा रहेगी। देखो गिफ्ट्स पे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। गिफ्ट क्या, जो गिफ्ट है इसके लिए सब बेकार है। सही बात है, इसके सामने सब बेकार है। हेलो, और ये सो गाइस, शाम को ये 8 बज चुके हैं और ये रही पूजा, और अभी खिचड़ी टाइम है, बेबी सो रहा है, अभी उसको फीडिंग कराई है। और आज का दिन काफ़ी मतलब ब्लेसिंग्स का दिन था। पूजा के कलीग्स मिलने आए थे, एंड स्पेशल थैंक्स टू चेयरमैन ऑफ जेआर हॉस्पिटल जेपी सर एंड मैडम, जो स्पेशली आए और पूजा और बेबी को ब्लेसिंग्स दी। एंड मतलब काफ़ी अच्छा माहौल, अभी 3 दिन हो गए हॉस्पिटल में और लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं हो रहे हैं, जैसे लग रहा है कि घर पे ही हैं। काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे सराउंडिंग स्टाफ और सारे डॉक्टर्स, शालू मैडम स्पेशली, दीपाली मैडम, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और पूजा के कलीग्स जिन्होंने आके पूजा को ब्लेसिंग्स दी, एंड मेरे और रिलेटिव्स जो अभी दूर हैं और फ़ोन के माध्यम से मतलब अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और थैंक यू गाइस। और आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगा इसको, और लेट्स सी, मे बी हमारा कल डिस्चार्ज हो जाए।